प्रशांत सर, ये बहराइच में जो घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन के बाद, इस समय उसमें क्या हुआ, घटना में क्या इसमें है जानकारी? वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जी जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहां लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से दो अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया, और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से दो अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सराज और मोहम्मद तलीम है, ये घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, इस संबंध में विस्तृत वाइट SP बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है, और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है, और सख्ती बरती जा रही है, और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर होती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था जी कुछ? ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे, मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था, जो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे, उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को अभी इनके? ये प्रारंभिक सूचना है, और जैसा मैंने बताया SP बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर।